नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मृणालिनी। आप सबका मैं इस चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। आज मैं आपको बताऊँगी मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। मेकअप को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेट मी आस्क माई मॉम। सो यस, मेकअप को कहते हैं साज श्रृंगार। सो मैं आपको बताऊँगी मैंने ये साज श्रृंगार कैसे किया है। जो आप अपने हल्दी के दिन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा दिखता है येलो और पिंक कपड़ों के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। ये मॉइस्चराइजर के साथ साथ प्राइमर का भी काम करता है। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है LA गर्ल प्रो कवरेज HD फाउंडेशन, जिसका शेड है पोर्सलिन। ये एक लिक्विड फाउंडेशन है जो आपको एक ग्लोई ड्यूई लुक देगा। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है फॉर ड्राई स्किन। मैंने इस तरीके से इसे अपने चेहरे पे लगा लिया है। अब मैं एक स्पंज की मदद से इसे पूरी तरह ब्लेंड करूँगी। कंसीलर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का प्रो कंसीलर इन द शेड प्योर बेज। पहले मैं इसका एक्सेस प्रोडक्ट अपने हाथों पे निकाल लेती हूँ, फिर बचे हुए प्रोडक्ट से अपने अंडर आइज पे लगा लेती हूँ। बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना होता है, थोड़े से भी प्रोडक्ट से हमारा काम चल जाता है। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो ग्रीसी हो जाएगा और हमारे अंडर आइज़ के जो लाइन्स होते हैं वो काफ़ी मतलब उभर के दिखेंगे। अभी मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से अपने अंडर आइज़ पे लगे हुए कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगा। अभी मैंने अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया है मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड फेयर। हम अपने फेस को हाईलाइट करते हैं तब हम हमारे स्किन टोन से एक टोन लाइटर कंसीलर यूज़ करते अभी मैं हैं। ले रही हूँ लैक्मे रोज पाउडर विथ सनस्क्रीन। अभी मैं ये पाउडर थोड़े से क्वांटिटी में लेकर अपने अंडर आइज़ के नीचे लगाऊंगी और सेम ब्रश से फुल फेस पर उस पाउडर को सेट करूंगी। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैंने यहाँ यूज़ करी हूँ मेबेलिन का फिट मी 128 वार्म न्यूड। मैं एक ब्लश पैलेट से पिंक कलर को इस फ्लैट फ्लफी ब्रश पर लूंगी। पहले मैं इसे सेटिंग स्प्रे की मदद से वेट कर लूंगी। आप पानी भी ले सकते हैं। ब्रश को गीला करने से आई शेडो का पिगमेंट होता है वो अच्छी तरीके से आईलिड्स पे प्लेस होता है, नहीं तो हमें बार बार उस कलर को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहले उस पिंक कलर को कॉर्नर ऑफ आईज पे प्लेस और करूंगी फिर उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं सेम पिगमेंट को लेके आंखों के सेंट्रल पार्ट पे भी रखूंगी और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर अब लूंगी। मुझे यहाँ पर एक हॉलो इफेक्ट क्रिएट करना है, इसलिए मैं क्या करूंगी, मेरे सेंटर ऑफ आई की जगह को छोड़ के कॉर्नर से और कलर को और मेरे स्टार्टिंग के कलर को ज्वाइन करूंगी क्रीज पे। मैं यही सेम प्रोसेस अपने दूसरे आंख पे भी रिपीट करूंगी। मैं अभी मेरा मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर लूंगी और उसे सेंटर ऑफ आईज पे प्लेस करूंगी। कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं अपनी रिंग फिंगर की मदद से इसे ब्लेंड कर लूंगी। अभी मैं मेकअप रेवोल्यूशन का रिलोडेड ज्वेल पैलेट ले रही हूँ। इसमें से शिमरी येलोइश गोल्डन शेड लेके अपनी फिंगर्स की मदद से इसे सेंटर ऑफ आईज पे प्लेस करूंगी। अब मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद से इन सबको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे। मैं आईलाइनर अप्लाई करने के लिए ओलिविया का वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ एक छोटा सा विंग आईलाइनर बनाने वाली हूँ। मस्कारा के लिए मैं यहाँ एसेंस का आई लव एक्सट्रीम कर्ल एंड वॉल्यूम मस्कारा यूज करने वाली हूँ। फर्स्ट मैं इसके सारा एक्सेस प्रोडक्ट निकाल लूंगी, फिर मैं अपनी स्टार्टिंग आईलैशेस के स्टार्टिंग से एंड की ओर पे मस्करा अप्लाई करूंगी जिगजैग मोशन के साथ, और मैं अपनी लोअर आईलैशेस को मस्करा के वॉन्ड का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है उससे अप्लाई करूंगी। फॉर लिपस्टिक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शुगर का स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड वाइन एंड शाइन। ये एक पर्पली पिंक की शेड है जो मुझे बहुत पसंद है, बट इट इज़ वेरी ड्राइंग। तो फर्स्ट मैं यहाँ एक लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ।
आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं एक कॉटन की मदद से एक्सेस लिप बाम को रिमूव कर लूँगी। अब मैं अपने लिपस्टिक को अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है और ये स्मज मी नॉट लिपस्टिक जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये काफ़ी घंटों तक रहती है और स्मज भी नहीं करती। ब्लश के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का रॉक्सी ब्लश पैलेट। मैं यहाँ सारे कलर्स मिक्स कर रही हूँ। जनरली हम ब्लश कैसे अप्लाई करते हैं मैचिंग टू आवर लिप कलर, बट मुझे कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जस्ट मैं सारे कलर्स मिक्स कर रही हूँ और अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ लिया है मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, जिसे मैं अपने नोज़ पे और चिक बोन्स पे अप्लाई करूँगी। ये कंप्लीट करता है मेरे मेकअप लुक को। इस मेकअप लुक में मैंने कोई भी कॉन्टोर नहीं किया है और मैंने यहाँ पे कोई भी मेकअप सेटिंग्स पे यूज़ नहीं किया है, पर आप डेफिनेटली यूज़ करें। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।